आज हम बात करेंगे रिलायंस जियो के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिलायंस जियो ने अभी पिछले महीनों में अपनी जियो सिम्स जो है वो निकाली थी और उन्होंने फ्री में दी थी, और उसकी वजह से बहुत सारे उनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। गाइज, रिलायंस जियो जो है वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जो अपना वेलकम ऑफर है उसको इंक्रीज करने की सोच रहा है, और उसने उसको मार्च तक के एंड में इंक्रीज करने के लिए सुना है, ऐसी न्यूज़ वगैरह आ रही है। सो गाइज, रिलायंस जियो है वो दिन बर दिन कमाल पे कमाल करते जा रहा है गाइज। और अब एक नई और न्यूज़ आई है रिलायंस जियो की तरफ से कि रिलायंस जियो जो है वो अपने 4K सेट ऑफ बॉक्सेस जो है वो लॉन्च करने की सोच रहा है। यस गाइज, रिलायंस जियो इज़ प्लानिंग टू लॉन्च 4K सेट ऑफ बॉक्सेस। अब 4K सेट ऑफ बॉक्सेस जो है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या है। जो कंपनी है रिलायंस जियो, उसने 15,000 सेट ऑफ बॉक्सेस जो है उसको इंपोर्ट किया था, और हर एक सेट ऑफ बॉक्स की जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ 5,500 पर यूनिट पड़ी है। और जो ये सेट ऑफ बॉक्स है वो जियो फाइबर और 1 Gbps कनेक्टिविटी कनेक्शन के साथ में रिलीज होंगे। और जो इसके बारे में हम देखते हैं तो ये जो सेट ऑफ बॉक्स है ये 4K टीवी के साथ में ही चलेगा। अब गाइज, आप सोच रहे होंगे कि जो 4K टीवी होता है ये क्या होता है। तो गाइज, 4K टीवी जो होता है वो एक नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ टीवी पिक्चर क्वालिटी के अंदर होता है, जो कि डिस्प्ले करता है 4 times जो डिटेल ऑफ करंट हाई लेवल डेफिनेशन जो है उसकी 4 times जो है ये अभी हमारे को प्रोवाइड करता है। गाइज, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हम YouTube पे वीडियोस देखते हैं उसकी जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन हम देखते हैं वो होती है 1920x1080 पिक्सल्स। सो गाइज, ये जो है ये जो 4K टीवी है ये एक्चुअली में हमारे को प्रोवाइड करेगा 3840x2160 पिक्सल्स। गाइज, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ये इसका 4 times है 1920x1080 पिक्सल्स का। गाइज, 1920x1080 पिक्सल्स के अंदर हम जब YouTube पे कोई भी वीडियोस देखते हैं तो एकदम हमारे को क्लियर क्वालिटी दिखती है। गाइज, आप भी ये सब जानते हैं। तो गाइज, अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जो 3840x2160 पिक्सल्स के अंदर जो हमें वो क्वालिटी मिलेगी वो कितनी क्रिस्टल क्लियर होगी। गाइज, ये 8 million पिक्सल्स होती है टोटल के अंदर। एक और बात है इसके अंदर कि जब भी हमारे को 4K जो टीवी है ये रन करते हैं बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन के ऊपर, तो अगर इसकी साइज छोटी होगी तो फिर इसके रेजोल्यूशन जो है वो एकदम फिट नहीं बैठेंगे। तो गाइज, इसकी साइज़ हमेशा बड़ी ही होती है, अप्रॉक्सीमेटली 440 inches से या फिर उससे ज़्यादा भी बड़ी हो सकती है। गाइज, हम दोबारा आते हैं हमारे जो टॉपिक है उसके ऊपर, सेट ऑफ बॉक्स के ऊपर। जो ये सेट ऑफ बॉक्स है इसके अंदर पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आएगी प्ले स्टोर, और ये जो है ये रिलायंस जियो के साथ में और एंड्रॉयड ऐप्स के साथ में आएगा ये। तो जो ये जो है इसके अंदर ब्रह्मा CPU एंड OGLES 3.10 GPU भी होगा। ये जो डिवाइस है ये हमारे नॉर्मल जो इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोलर होता है उससे रन नहीं करेगा, बल्कि ये जो है ये ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर इसके साथ में आएगा और ये उसके थ्रू रन करेगा। और ये जो होता है इसके अंदर हम इसको स्मार्टफोन के थ्रू भी रन करा सकते हैं। जी यस गाइज, आपने सही सुना है, इसको हम अपने रिमोट के तौर पे को एज ए स्मार्टफोन को भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इस रिमोट के अंदर हमारे पास में जो है हमारे पास एक माइक होगा जिसकी वजह से हम इसमें वॉइस सर्च भी कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी चैनल को सर्च करना हो या फिर आपको जो भी सर्च करना हो वॉइस सर्च के थ्रू भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ये एक तरीके से एंड्रॉयड के ऊपर रन करा है तो वही उस तरीके से ही काम करेगा। इसके अंदर हमारे पास में LAN, USB और HDMI पोर्ट जो हैं वो भी इंक्लूडेड आएंगे, और ये बिल्ट इन वाईफाई सपोर्ट के साथ में आएगा। तो गाइज, ये था हमारा अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग का जो भी इन्फॉर्मेशन थी। गाइज, अगर आपको आगे के बारे में कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइज सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियोज़। थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।